कांग्रेस से निलंबन के बाद विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अब वे कार्यकर्ता की राय लेकर अपनी भावना के अनुरूप ही आगामी फैसला लेंगे। फैसला ऐसे लेंगे कि पिछले 26 साल का वनवास कट जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ मतदान करके उन्हें भूपेंद्र हुड्डा का घमंड तोड़ना था, जो 31 विधायक अपनी जेब में बता रहे थे। कुलदीप बिश्नोई शासित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे अगले कदम बारे कुछ भी नहीं कह सकते। हिसार में प्रदेश भर के कार्यकर्ता आए हैं और उनमें अजका के गठन के समय जो जोश था वही जोश आज दिखा रहा है। बार बार मिले धोखे की वजह से कार्यकर्ताओं में निराशा थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राजनीति में अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में 2-3 दिन बाद फैसला लेंगे। वहीं जजपा पार्टी में जाने को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि छोटी मोटी पार्टियों के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। क्रॉस वोटिंग के बावजूद एक अन्य वोट रद्द होने वाले विधायक के बारे में पूछे जाने पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बंसल को यह सार्वजनिक करके बताना चाहिए। उन्हें हैरानी है कि विवेक बंसल इस बात को दबाए हुए क्यों है। उन्होंने आशंका जताई कि इस प्रकरण में प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा नेता शामिल है, इसलिए ये केवल कुलदीप बिश्नोई को पदों से मुक्त करके पूरे प्रकरण पर पर्दा डालना चाहते हैं। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि पार्टी के उन्हें पदों से मुक्त किया है पार्टी से नहीं, लेकिन अब कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप वे आगामी फैसला लेंगे। इससे कुलदीप बिश्नोई अपने हिसार स्थित आवास पर प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों से मिले और धन्यवाद किया। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।